इससे पहले जब देश पर कोई भी विपत्ति आती थी और शासन प्रशासन से जब कुछ भी नहीं संभलता था तब एंट्री होती थी भारतीय सेना की, फौज की। लेकिन देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब देश के भविष्य के फौजी ही हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, और वजह है अग्निपथ योजना। लेकिन इस बीच इस योजना को लेकर कई सवाल हैं, जैसे अग्निपथ योजना क्या है, इस स्कीम को लेकर सरकार का क्या मकसद है, सरकार का पक्ष क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। और इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि ये विरोध प्रदर्शन और आगजनी बिहार में ही क्यों, बिहार से ही क्यों ये आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया। आज हम इस चर्चा के जरिए उन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर किन्हें कहा जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल के बीच रखी गई है। इसके पीछे सरकार का मकसद सेना को जवान बनाना है। इस साल 46,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में युवा 4 साल के लिए भर्ती होंगे। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सबसे ज्यादा 40,000 युवा थल सेना में भर्ती होंगे। अग्निवीरों को हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। ये सैलरी हर साल बढ़ेगी और चौथे साल 40,000 रुपए महीने सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अग्निवीरों को 48,00,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर 44,00,000 रुपए से 1 करोड़ तक का मुआवजा मिलेगा। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 25% युवा सेना में आगे बरकरार रहेंगे। इन्हें और 15 साल तक सेना की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस दौरान सेनाओं के कानून और शर्तें इन लोगों पर लागू होगी। लेकिन केंद्र सरकार की ये अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था वो अब हिंसक रूप ले चुका है। इसका सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार में आज दूसरा दिन है जब इस योजना को लेकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई थी। बक्सर और बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरनगर तक युवाओं का प्रदर्शन जारी है। तो वहीं बिहार के जहानाबाद जिले में आज सुबह से ही उग्र और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया। वहीं बक्सर में युवा रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर रहे हैं। आज सुबह से सैकड़ों युवा पटरी के सामने खड़े हो गए हैं। कल भी बक्सर में 100 से ज्यादा युवाओं ने पटरी पर बैठकर धरना दिया था, जिस कारण जन शताब्दी एक्सप्रेस की आवाजाही आधे घंटे तक प्रभावित रही। बिहार में जो युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही है, जिससे उनका भविष्य खतरे में आ गया है। मुजफ्फरनगर में सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्कर मैदान के पास टायर जलाकर अपना विरोध जताया। बेगूसराय में भी अभ्यर्थियों ने महादेव चौक पर प्रदर्शन किया और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग रखी। अब सवाल ये है कि विरोध हो क्यों रहा है। दरअसल हर साल लाखों युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए सेना रैलियों का आयोजन करती है। इस रैली में युवा हिस्सा लेते हैं और उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि 2020-21 में 97 रैलियों का आयोजन करने की योजना थी, जिसमें से 47 रैलियां ही हुई और सिर्फ 4 के लिए ही एंट्रेंस टेस्ट हुआ। वहीं 2021-22 में 47 रैलियां करना था, लेकिन सिर्फ 4 ही हो सकी और एक भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। कोरोना के चलते जहां सेना में भर्ती अटकी रही, वहीं दूसरी तरफ नौसेना और वायुसेना में भर्ती जारी रही। 21 मार्च को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि 2 साल तक सेना में भर्ती नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान नौसेना में 8,319 और वायुसेना में 13,032 भर्तियां हुई हैं, मगर थल सेना की भर्ती रुकी रही। भर्ती रुकी होने के कारण सालों से सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। युवाओं का आरोप है कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पार कर लिया है, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं होने से वो ओवर एज हो जा रहे हैं और बाद में वो सेना में भर्ती के लिए योग्य यानी एलिजिबल नहीं रहेंगे। सेना में भर्ती के लिए 23 साल की आयु सीमा है। पिछले महीने ही हरियाणा के भिवानी में 23 साल के पवन पंघाल ने इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो ओवर एज हो गया था। पवन 15 साल की उम्र से सेना में जाने की तैयारी कर रहा था
उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पार कर लिया था, लेकिन भर्ती रुकने से वो ओवर एज हो गया था। अब सवाल ये है कि ये सारे विरोध प्रदर्शन बिहार से ही क्यों शुरू हुए और बिहार में इतना हिंसक और उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है। सेना में भर्ती रुकी होने से बिहार में लंबे वक्त से बवाल हो रहा है। पिछले महीने भी दरभंगा जिले में अभ्यर्थियों ने आगजनी कर प्रदर्शन किया था। नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना का हवाला देकर 2 साल से लिखित परीक्षा टाली जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं हो रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में तकरीबन 12 करोड़ के आसपास की आबादी है। यहाँ की 88% से ज्यादा आबादी गाँव में रहती है और यहाँ की 34% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। इस गरीबी से निकलने के लिए यहाँ के युवा सेना में जाने की तैयारी सालों पहले से शुरू कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं में हर 100 जवानों में से 8 जवान बिहार के हैं। पिछले साल 15 मार्च को रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में राज्यवार तीनों सेनाओं में सैनिकों की संख्या बताई थी। इसके मुताबिक देश भर में तीनों सेनाओं में 13.40 लाख से ज्यादा जवान और अफसर है, जिनमें से 1.04 लाख से ज्यादा जवान और अफसर बिहार के ही हैं। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं से रिटायर हुए 100 जवानों या अफसरों में से 5 बिहार के होते हैं। इसी साल 28 मार्च को राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यवार सैनिकों की भर्ती का आंकड़ा भी दिया था। उन्होंने बताया था कि साल 2019-20 में बिहार से 4,559 युवाओं को सेना में भर्ती किया गया था। उस साल सबसे ज्यादा जवानों की भर्ती के मामले में बिहार 6 नंबर पर था। उत्तर प्रदेश पहले पर था, जहां के 8,425 युवा सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद पंजाब से 7,813 युवा सेना में भर्ती हुए थे। आजकल आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी सरकार की किसी नई नीति या योजना से देश के लोगों को दिक्कत होती है, तो देश का एक हिस्सा इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगता है। अब दिक्कत यहाँ नहीं होती है, दिक्कत तब होती है जब ये विरोध प्रदर्शन हिंसक और उग्र हो जाते हैं, और इसमें पिसते हैं वो लोग, वो आम जनता जिनके जान माल का नुकसान सिर्फ और सिर्फ इन योजनाओं के विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के चलते हो जाता है। हमें विरोध करने का और प्रदर्शन करने का पूरा हक है, हर भारतीय को है, मगर जब भारत के भविष्य के सैनिक देश की रक्षा करने के लिए देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये कितना सही है और कितना गलत, ये सवाल आपसे है। आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें खबर विभाग के साथ।